ये पूरा मामला है। पौनी पंचायत में वर्ष 2016-17 में एक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क बनी थी। उस सड़क में मोटा मोटी 80 लाख रुपया लगा है, लेकिन मात्र 6 माह के बाद वो सड़क छत बिछत हो चुकी है और उस पर गंदा नाली का पानी बह रहा है। और उसी सड़क पर वर्ष 2017-18 में मुखिया जी मुख्यमंत्री 7 निश्चय का काम दिखा करके 2.5 लाख रुपया गबन कर लिए हैं। अच्छा, वो सार्वजनिक सड़क है, मैंने रोड पूरी तरह से अतिक्रमण है, वहाँ बिजली का पोल डाल दिया गया है, बीच रोड में दीवार बना दिया गया है। और सूचना के तहत जब जानकारी मांगते हैं तो ये लोग हरिजन एक्ट मुकदमा करना, 4-4 आपराधिक मुकदमा लोग दर्ज कर देता है। सार्वजनिक काम करने में मुकदमा क्यों दर्ज होता है? हम लोग इतना मेहनत करके सामाजिक काम करते हैं, वो सार्वजनिक पथ है, वो 2000 ग्रामीणों के लिए बहुत ज़रूरी पथ है, इसके चलते गांव के चक्कर लगा करके लोग स्थल पर जाते हैं। धमकियाँ भी मिल रही हैं, आप लोग भयभीत भी हैं बता रहे हैं, और बराबर ये सब हम लोग कंप्लेन करते हैं तो धमकी दी जाती है, प्रशासन के तरफ से मुकदमा दर्ज हो जाता है, हम लोगों को काम करने नहीं दिया जा रहा है और सारा गैर कानूनी काम हो रहा है। जब जब हम लोग RTI के तहत कोई सूचना मांगते हैं, कोई जानकारी मांगते हैं, तो हरिजन एक्ट का मुकदमा, ये मुकदमा, वो मुकदमा, हमेशा परेशान लोग करते रहते हैं। भयभीत है, आपको भय लग रहा है? हमेशा भय रहता है। हम क्राइम ब्रांच CID की टीम भी आई थी, हमसे बयान भी ली थी, लेकिन अब तक 4 साल में कोई पुलिस वाले हमसे पूछताछ भी करने नहीं आया है। लोग 4 साल से हम सार्वजनिक मामले को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, करोड़ों का भ्रष्टाचार उजागर कर दिए, जो साबित हो चुका है, एक एक मामला, उसमें किसी भी दोषी को सजा तक नहीं दिया गया है। सारे दोषी मुफसिल थाना में और SDM साहब के पास बैठा रहता है लोग। क्या नाम है? मेरा नाम मृत्युंजय कुमार दुबे, RTI कार्यकर्ता, बक्सर।